रूप से मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बार को आप सोचिए आखिर उस बच्चे की गलती क्या होती है जो एक गरीब घर में पैदा होता है और उसको बेहतर शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। शिक्षा के सामने एक पैसे की दीवार खड़ी है जो जितनी ऊंची दीवार लांग सकता है, जो जितना अधिक पैसा शिक्षा पे खर्च कर सकता है वो उतनी बेहतर शिक्षा पा सकता है। लेकिन अगर एक देश एक है, लोकतांत्रिक देश है, तो शिक्षा भी सबको एक समान रूप से तो मिलनी ही चाहिए। आज परिस्थिति ये है कि एक तरफ तो प्राइवेट स्कूल है जो लूट के अड्डे बने हुए हैं, वहां पे आप एडमिशन कराने जाएंगे तो सिर्फ एडमिशन के नाम पे ही आपको 10,000-20,000 रुपए देना होगा। और कमीशन खोरी का ऐसा धंधा है कि कॉपी किताब टाई बेल्ट ड्रेस जूता कहाँ से खरीदना है ये आप नहीं तय करेंगे, तय करेंगे वो प्राइवेट स्कूल वाले, यानी आम लोगों की मेहनत की आखिरी कौड़ी उनके जेब से वसूल लेना चाहते हैं। और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में न तो पर्याप्त टीचर है न पर्याप्त बिल्डिंगें हैं। 2019 का ही ये पुराना आंकड़ा है कि हर 100 में से 52 स्कूलों में या तो एक टीचर है या दो टीचर है, और उन्हीं टीचरों के ऊपर जिम्मेदारी थोप दी जाती है कि जनगणना करो, मतगणना करो, पशु गणना करो, तमाम काम करवाए जाते हैं। और 19 के बाद से तब से कितने टीचर रिटायर हुए होंगे और 18 के बाद से कोई टीचर की वैकेंसी भी नहीं है। आप खुद भी सोच सकते हैं ये परिस्थिति और कितनी बिगड़ी है। इसीलिए हम लोग ये मांग उठा रहे हैं, चाहे कोई राष्ट्रपति का बच्चा हो या किसी मजदूर का, सबको शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए और निःशुल्क रूप से मिलनी चाहिए। प्रेमचंद ने अपने दौर में भी कहा था कि एक सभ्य समाज में ऊंची से ऊंची तालीम मुफ्त होनी चाहिए और इसका पूरा खर्च गवर्नमेंट को उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को फौज से ज्यादा आवश्यकता तालीम की। और शिक्षा से जुड़ता हुआ ही दूसरा मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं, दूसरा मुद्दा है रोजगार का। रोजगार की परिस्थिति यह है कि आज सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट, सब कुछ ठेका संविदा के हवाले किया जा रहा है, परमानेंट नौकरियां लगातार घटाई जा रही है। इसी रेलवे में 1995 के आसपास लगभग 18.5 लाख कर्मचारी काम करते थे, लेकिन आज उनकी संख्या 12 लाख थी। आप खुद भी सोच सकते हैं कितने बड़े पैमाने पे परमानेंट पदों को घटाया जा रहा है। और आज आलम यह है, एक तरफ लाखों पद खाली पड़े हैं फिर भी कोई वैकेंसी नहीं निकलती, जो वैकेंसियां निकलती हैं उनमें भ्रष्टाचार होता है, पेपर लीक हो जाते हैं। RO, यूपी पुलिस, BPSC, SSC, CGL ऐसे तमाम पेपर लीक हो चुके हैं, आप लोग भी जानते ही हैं। अभी नीट की धांधली में ये पता चला कि एक एक पेपर 30 लाख से 50-50 लाख रुपए में बेचा गया। हम और आप तो ये पैसा नहीं दे सकते। पूरी की पूरी कारस्तानी सरकार प्रशासन शिक्षा माफियाओं की होती है, और भुगतता कौन है? आम घरों के लोग, जो लोग सालों साल तैयारी करते हैं, दिन भर में 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ते हैं, और इतनी कड़ी मेहनत के बाद, सालों साल की मेहनत के बाद उनके हाथ लगती है तो सिर्फ हताशा, निराशा, अवसाद। बहुत से छात्र नौजवान जो इस बेबसी में, इस डिप्रेशन में नहीं जी पाते, आत्महत्या तक के कदम उठा लेते हैं। लेकिन ये देश की विडंबना है कि टीवी चैनल, अखबार, मीडिया, नेता, मंत्रियों के लिए कहीं ये कोई मुद्दा नहीं है। उनके लिए मुद्दे हैं तो जाति, धर्म, रंग, नस्ल, अगड़ा पिछड़ा। आज जब पूरी परिस्थिति इतनी भयावह है तो ये जरूरी है कि लोगों के बीच में जाया जाए, लोगों को संगठित किया जाए और एकजुट किया जाए, क्योंकि आज अगर अपने मुद्दों पर बोलेंगे नहीं तो कल को ये परिस्थिति और बिगड़ेगी। हो सकता है ले देके अपनी जिंदगी तो हम लोग काट ले जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को क्या भविष्य देके जाएंगे ये भी सोचने वाली बात है। हमारे साथी ने आपको पर्चा दिया है, पर्चा आप तक पहुंच गया है, पर्चे में और भी बातें हैं, इसको पूरा विस्तार से पढ़िए। पर्चे में हमारा नंबर है, संपर्क कीजिए, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता भी चलते रहेगा कि लगातार किन किन माध्यमों से हम इस अभियान को चला रहे हैं। नुक्कड़ नाटक, संगीत, शिक्षा सहायता मंडल, लाइब्रेरी, तमाम माध्यमों से इस अभियान को चला रहे हैं।